हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल में हम बोहर्स पोस्टुलेट तक हम पढ़ चुके हैं। आगे का हमारा टॉपिक आता बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसमें बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में हम एक साथ डिस्कस करेंगे बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम और बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। इससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ये बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम बेसिकली मीन्स मीनिंग क्या है कि जो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उस इलेक्ट्रॉन की हमें बेसिकली वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, उसके क्या एनर्जी है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, और जिस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं क्या उसकी रेडियस है। बेसिकली ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाइड्रोजन एटम का तो सभी को पता ही है क्या होता है। अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन से होते हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जिसमें, उनको हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब हाइड्रोजन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू भी वन होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वन होते हैं। अब इसी तरीके से जब हम एक और देखते हैं हीलियम का, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, टू। अब इसके अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन भी दो ही होंगे, लेकिन जब हम हीलियम प्लस कर देते हैं तब इसका एटॉमिक नंबर तो टू ही रहेगा, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वन। इसी तरीके से लिथियम है, लिथियम में हम डबल पॉजिटिव कर देते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, थ्री। जेड इक्वल टू थ्री है लिथियम के लिए, लेकिन लिथियम प्लस प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन वन हो जिसमें। जब इन सब में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, एच ई प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन है, Li प्लस प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और इन्हीं को हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स, और इसी को हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब आगे हमारी बोहर्स थ्योरी का डिस्कशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम अजम्पशन क्या लेते हैं, इसमें हम अजम्पशन ये लेते हैं कि जो न्यूक्लियस है इसको हम इनफाइनाइटली हैवी मानकर चल रहे हैं अब के लिए, और बाद में हम देखेंगे कि अगर इनफाइनाइटली हैवी इसको ना माने तब इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मास क्या होगा। इनफाइनाइटली हैवी क्यों मान रहे हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका मास बहुत ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम इसको इनफाइनाइटली हैवी मान रहे हैं। और इनफाइनाइटली हैवी मान रहे हैं इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है इसको हम स्टेशनरी मान रहे हैं, न्यूक्लियस मूव नहीं कर रहा हमारा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये अजम्पशन है, ये आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखनी होगी ये स्टार्ट करने से पहले। अब इसमें देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इनवर्ड में और ये वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ एक बार अगर चलो वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसे, क्या होगी, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, कोलंबियन फोर्स है ये, कोलंबियन फोर्स क्या होता है, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, यही होता है। अभी वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे ये सिंगल अगर हाइड्रोजन की बात हो तब तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही प्रोटोन पे होता है, सिंगल ई होगा, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम कोई और एटम है तो वहां पे चार्ज क्या होगा, जेड ई, यही होगा। और यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज क्या होगा, माइनस ऑफ ई डिवाइडेड बाय, अगर हम इसकी रेडियस को आर मान रहे हैं तो आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब ये आर कैप किस साइड है, ये आर कैप हम डायरेक्शन मान रहे हैं न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाती हुई, इस तरीके से ये आर कैप मान रहे हैं। अब लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो तो इनवर्ड में होता है, तो ये माइनस साइन जो है ये डायरेक्शन के साथ एडजस्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये क्या आ जाएगी, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ आर कैप, मतलब आर कैप इस डायरेक्शन में है आउटसाइड में, और हमारा जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स वो क्या, माइनस ऑफ आर कैप के डायरेक्शन में, तो वो इनवर्ड द न्यूक्लियस है, इनवर्ड की तरफ ये फोर्स लग रहा है। और ये जो आर है ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, मतलब बिल्कुल सेंटर से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ये यहां तक होगी न्यूक्लियस के सेंटर से ऑर्बिट तक, ये हमारी आर है। इसी तरीके से अब अगर ये फोर्स लग रहा है तो ये जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है ये अंदर की तरफ आ तो नहीं रहा,
इट मीन्स इसको कोई और फोर्स होगा जो इसे बैलेंस कर रहा है, वो फोर्स क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि क्या लगेगा? आउटवर्ड में, आउटवर्ड टू द सेंटर, ये इनवर्ड टू द सेंटर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, और ये अवे फ्रॉम द सेंटर। उसकी वैल्यू क्या होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? एम वी स्क्वायर अपॉन आर इनटू आर कैप, ये इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप के डायरेक्शन में होगा, मतलब आउटसाइड डायरेक्शन में होगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। जब ये बैलेंस करेंगे तो हम सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड को इनके एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, हम इनमें डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। तो अब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लें, अगर इसका मैग्नीट्यूड लें तो क्या आ जाएगी, सिर्फ ये वाले टर्म, डायरेक्शन को तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है, और इसका मैग्नीट्यूड लें तो सिर्फ ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आ जाएगा जब हम इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। और इसे ये क्या है जो हम फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ी थी हमने, कि जो कोलंबियन फोर्स है इसको बैलेंस करेगा, उसी की वजह से ये इसे ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, ये उसका मैथमेटिकल वर्जन है। इसको आप फर्स्ट पोस्टुलेट में ऐड कर सकते हो, ये मैथमेटिकल वर्जन है उसका, एक पॉइंट और उसमें ऐड कर लेना ये आप। सेकंड जो हमने पोस्टुलेट पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है, हमने उसको एन एच कैट बताया था। ये भी लिख लेते हैं आप एक बार, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कैट, जहां पे एच कैट की वैल्यू क्या थी, एच अपॉन टू पाई, ये वैल्यू थी एच कैट की। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ पे इसके ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी एनर्जी फ्रीक्वेंसी सब कुछ इन्हीं से निकालेंगे। अगर आप उन वैल्यूज को याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम ये दो इक्वेशन तो आप याद कर ही लेना, आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप रिजल्ट भूल भी जाते हो तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से सबसे पहले हमें आर रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। रेडियस के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह अगर हम वी की वैल्यू पुट कर दें, यहां से वी की वैल्यू निकाल लें और इस इक्वेशन में पुट कर दें, तब क्या होगा देखते हैं। यहां से वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी इज इक्वल टू एन एच कैट अपॉन एम आर, ये वी की वैल्यू आ जाएगी। इस वी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा हमें, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपॉन आर, वी की जगह ये वैल्यू रखेंगे एन एच कैट अपॉन एम आर और उसका स्क्वायर। अब यहां से क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, ये स्क्वायर हम इसके अंदर ले आते हैं, एन स्क्वायर एच कैट स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आर की वैल्यू चाहिए हमें, आर को इस साइड ले आते हैं, क्या बच जाएगा इस साइड, ये इधर जाके ऊपर चला जाएगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में जेड ई स्क्वायर इनटू में क्या बचेगा, एम एन स्क्वायर एच कैट स्क्वायर, एक एम से एक एम भी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर एम नहीं आएगा, एम नीचे एम आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाती है रेडियस की, यही आएगी ना, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच कैट स्क्वायर एम, हाँ ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है। इसको हमें एक साइड में लिख लेते हैं एक बार, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच कैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जेड ई स्क्वायर। अब इसमें देखिए फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये कौन से ऑर्बिट में है, फर्स्ट में है तो वन, सेकंड में है तो टू, एन की वैल्यूज क्या क्या होगी, वन टू थ्री, इस तरीके से होंगे एन की वैल्यूज। एम जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी हम कॉन्स्टेंट मानकर चल सकते हैं,
जेड एटॉमिक नंबर कुछ भी होगा जो भी हमें यहाँ पे एटम ले रहे हैं, और ई इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहे हैं। एक तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा एन स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन, ये इस तरीके से आ रहे हैं। जो एन स्क्वायर है इसमें इट मीन्स जो एन है उसकी वैल्यूज 1 2 3 इस तरीके से होगी। तो ये क्या कर रहा है, जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन कंडीशन से ये कोई भी रेडियस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, रेडियस वही पॉसिबल होगी जहां जो एन स्क्वायर के मल्टीपल में आ रही है कुछ। तो इट मीन्स यहाँ से वो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये हो गया हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जेड की वैल्यू को 1 रख देंगे। हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू 1 होता है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए। बस सिंपली यही चेंज करना है, जहां जहां पे हम जेड की वैल्यू 1 रखते जाएंगे वो हो जाएगा सिंपल हाइड्रोजन एटम के लिए, और जहां हम सिंपल जेड लिख रहे हैं इट मीन्स वो हो जाएगा हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। अब यहां से हमने रेडियस कैलकुलेट कर ली, अब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। रेडियस क्या है, ये जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली। अब वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे, वेलोसिटी हमारे पास ये है, यहां पर हम क्या करेंगे सिंपली रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आती है हमारे पास, v इज इक्वल टू एन एच कैट अपॉन एम, आर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, एम जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच कैट स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एक एन एच कैट से एक एन एच कैट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अपने पास, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच कैट, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। इसको भी इस साइड लिख लेते हैं एक बार, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच कैट। अब ये एन के किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है 1 बाय एन के। अगर हम जेड लिखें फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जेड बाय एन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू को 1 रखेंगे, और अदर एटम्स के लिए हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जो भी जेड की वैल्यू होगी वो रखेंगे, तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी भी आ जाती है। नेक्स्ट हम अब इसमें क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है प्लस जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अपने पास 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, सिंपली आर स्क्वायर की जगह हमें सिर्फ आर करना है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू अब हमारे पास क्या होगी, जेड ई और ये ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डिवाइडेड बाय सिंपली आर। अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं, वी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, वी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट करेंगे जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। हाफ एम वी की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच कैट होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच कैट स्क्वायर
और ऊपर क्या चला जाएगा, एम जेड ई स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये क्या बन रही है, हाफ एम जेड स्क्वायर ई ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और एन एच कट का स्क्वायर प्लस यहां पर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बन जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइड में क्या एन एच कट का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर क्या बन रही है, अब जेड स्क्वायर एम, सिंपली एम जेड स्क्वायर और ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 4। और जो ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था ये क्या था हमारा, नेगेटिव माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी ये लिखना भूल गए थे, अब यहाँ पे ऐड कर लेना। तो ये माइनस चार्ज जब हम बाहर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल माइनस आ जाएगा, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। अब देखिए सारी टर्म्स एक जैसी है, एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4, जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4, नीचे भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एन एच कट का स्क्वायर, एन एच कट का स्क्वायर। फर्क क्या है, ये तो हाफ है और ये माइनस वन है, माइनस वन में से हाफ घटाएंगे घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का हाफ। तो ये ओवरऑल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस हाफ एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और एन एच कट का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाती है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन जो है किस एनर्जी से मूव कर रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम क्या है इसका। ये एनर्जी वाली वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हाफ एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और एन एच कट का स्क्वायर। इसमें भी सेम वही, जब सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए देखेंगे तो जेड की वैल्यू 1 होगी, और अदर एटम्स के लिए देखेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए तो उनका जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो हम जेड की जगह रख देंगे। अब जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी तो 1/T टाइम होता है, टाइम का रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम टाइम देख लेते हैं, अब यहाँ पे वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन जो था ये किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पे हम इसी को स्पीड भी कंसिडर कर लेते हैं, डायरेक्शन अगर हम इसकी कंसिडर ना करें तो यही वेलोसिटी क्या है, इसकी स्पीड भी है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम यहां से इसका टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस क्या होगा, अब ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, अगर इसकी रेडियस हम आर लेकर चल रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगा फिर, 2 पाई आर, जो इसका सर्कल जो बन रहा है इसका पेरीमीटर होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। तो 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू भी हम वहां से बाद में पुट करेंगे, एक बार वी रख लेते हैं। ये क्या है, इसका टाइम पीरियड है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/T, 1/T होती है। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी इससे वेलोसिटी बाय 2 पाई आर। अब यहाँ पे आर और वी की सिंपल हमें ये वैल्यूज पुट करनी है और हमारा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों आ जाएगी यहां से। टू पाई आर की वैल्यू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जेड ई स्क्वायर, और वेलोसिटी की वैल्यू जेड ई स्क्वायर इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच कट। अभी यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन क्यूब एच कट क्यूब डिवाइडेड बाय एम जेड ई स्क्वायर,
जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा इसका, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे वो इसकी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो यही थी हमारी बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। इसमें हमारी कंसिडरेशन क्या थी, न्यूक्लियर मास को हम इनफाइनाइट मानकर चल रहे थे और न्यूक्लियस को हम स्टेशनरी मानकर चल रहे थे। अब आगे हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मास क्या आता है, जब हम इसको इनफाइनाइट नहीं मानते तब क्या चेंजेस आते हैं इनमें, और ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।